हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। अरे बड़े सारे कमेंट्स आए, मेरे को बहुत खुशी हुई आप लोगों ने मेरी वीडियो पे रिस्पॉन्स किया। तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज हमारे जैसे सब लोगों के लिए। तो चलो आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारे कमेंट वाले का आया था, कमेंट किया था किसी ने कि उनके पीछे के रियर लेफ्ट और राइट स्पीकर में आवाज़ ही नहीं आ रही। अब हम क्या करें, अब हम उसी को फिक्स करने जा रहे हैं। तो आपने कर, अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे। आप देख सकते हैं डिश टीवी चल रहा है हमारा, तो ये हमारा रिमोट है डिश टीवी का। तो अब आपने करना कुछ नहीं है, जैसे अभी हमारा रिमोट है तो हमने अब लेना है अपना स्पीकर का रिमोट जो कि है ये। तो हमने ए वी बटन पर क्लिक करना है और आपने देखना है जिस भी ए वी पर आपका स्पीकर लगा होगा आपने उस पर ए वी पर जाना है एच डी एम आई पे। तो जैसे ये हमारा साउंड सिस्टम लिखा है उस पर, तो अब हम साउंड सिस्टम को ऑन करते हैं। रिमोट हमारे हाथ में ये रहा बटन ऑन करने का। तो अब हम इसको ऑन करते हैं, ये हो चुका है हमारा सिस्टम। तो आपने करना कुछ नहीं, अभी आप देख सकते हैं टीवी मोड पे है हमारा स्पीकर। आपने अपना रिमोट पकड़ना है अपने हाथ में, आपने इसका होम बटन पे क्लिक कर देना है जो कि ये ब्लू कलर या पर्पल कलर का होगा। आपने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं हम टीवी के स्पीकर्स के उस पर पहुँच गए हैं सेटिंग्स पे। आपने साइड 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 पे सेटिंग्स पे जाना है, आपने ऑडियो सेटिंग्स में जाना है, फिर उसके बाद आपने जाना है स्पीकर सेटिंग्स में जो कि है सबसे नीचे। और आप देख सकते हैं हमने स्टैंडर्ड लगाया क्योंकि हमारे जो सारे स्पीकर्स हैं वो हमारे 5.1 के फॉर्म में लगे, जैसे ये ऊपर नीचे और पीछे दो। तो उस हिसाब से आप अगर आप ऑल फ्रंट करेंगे तो अगर आपके स्पीकर सारे सामने लगे हैं आपके तो आप इस सेटिंग पर जाके क्लिक कर सकते हैं, उस हिसाब से साउंड कर जनरेट कर देगा। स्टैंडर्ड पर हम क्लिक करा, सेंटर स्पीकर को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप डिस्टेंस चेक कर सकते हैं आपके स्पीकर से कितना, जैसे फ्रंट लेफ्ट एंड राइट का सेंटर का, ये सारे मैंने 3-3 मीटर्स रखे हुए हैं क्योंकि मेरे को कोई सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप जा सकते हैं मेन चीज़ पे जो कि है लेवल। लेवल पे मैंने अपने फ्रंट के सारे स्पीकर को फुल कर दिया, ये 0 डेसिबल्स पे आते हैं मतलब बहुत कम। तो हमने इसको कर दिया फुल 66 डेसिबल्स, सेंटर को भी 66 डेसिबल्स कर दिए। सराउंड मेरे को कुछ थोड़ा तंग करता था तो फिर मैं म्यूज़िक ज़्यादा सुनता हूँ इस पर, तो सराउंड मूवी के लिए तो बेस्ट है भाई, मूवी के लिए बेस्ट है। तो सराउंड मेरे को थोड़ा तंग करता था, मैं इसको थोड़ा कम कर दिया है। पहले मैंने इसको 6 रखा था। सब वूफर लेवल, अब कुछ लोग कह रहे थे भाई इसका सब वूफर इज़ वेरी बूमी एंड वेरी बेसी, सो आप करना कुछ नहीं, आप सब वूफर पर क्लिक करें और इसका लेवल थोड़ा कम कर दें। आई होप ये आपको मदद करेगा आपके स्पीकर लेवल में। पर मेरे को अच्छा लगता है बेस तो मैं रखूँगा इसको फुल। मेरे को क्लैरिटी भी बहुत पसंद है, बट चलो थोड़ा अगली बार से, मैंने सुना लॉजिटेक का कोई Z650 से ऐसे कुछ है, कुछ नेम है तो 5.1 है, तो फिर हम देखते हैं लेने की कोशिश करेंगे अगर आपका प्यार आते रहा। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, तो ऐसे आप अपने स्पीकर्स का लेवल बढ़ा सकते हैं। होप करता हूँ ये थोड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। और मैं आपको आज स्पीकर सेटिंग बता ही देता हूँ। ये टेस्ट टोन आप देख सकते हैं, ये टेस्ट टोन है, जब मैं ऑन करूँगा तो ये आपके जिस स्पीकर में ब्लू लाइट आएगी ना उस स्पीकर से आवाज़ आएगी। सिर्फ चेक करनी है सराउंड, देखो ये अब पीछे से आ रही है, अब उस तरफ से भी वूफर। तो आपको समझ आ गया कि ये किस चीज़ के लिए। चलो बैक चल के और थोड़ी सेटिंग्स देखते हैं। और ये आपकी वही बन सेटिंग्स बताई, और ये आ गई आपकी साउंड इफेक्ट। साउंड फील आप ऑन ही रखें, नहीं तो आप इसको डॉल्बी प्रो लॉजिक वगैरह पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप इसको 2 चैनल का स्टीरियो भी बना सकते हैं, इसको ऑफ भी कर सकते हैं। साउंड फील्ड बेस्ट है बिकॉज आपके रिमोट में इतने सारे कंट्रोल्स होते हैं कि आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं रिमोट को, जैसे ये सारे कंट्रोल्स, और ये साउंड फील्ड पर भी करेंगे अलग अलग मोड्स आ देंगे। तो चलो और मोड्स चेक कर लेते हैं। आप सिनेमा पर भी कर सकते हैं अगर आपने DTH से मतलब अपने टाटा स्काई या अपने एयरटेल से या फिर अपने डिश टीवी से वगैरह कनेक्ट किया हुआ इसको। तो ऑडियो आउटपुट आपने स्पीकर प्लस HDMI कर सकते हो, पर ये चेंज नहीं कर सकता जबकि कंट्रोल ऑफ HDMI ऑन हो। ये है स्पीकर ऑडियो लेवल्स को कंट्रोल रखे, मैंने इसको ऑफ कर दिया क्योंकि मेरे को चाहिए फुल पावर साउंड, 1000 वाट पूरी पावर चाहिए। तो ये ऑटो DRC हमने रखा है कि मतलब साउंड इफेक्ट्स को अपने आप सिलेक्ट कर लेगा, तो हम इसको ऑन भी कर सकते हैं ऑटो भी कर सकते हैं। तो
तो चलो अब हम चलते हैं सिस्टम सेटिंग्स पे। तो ये आपके सारे मोड्स, बहुत सारे मोड्स हैं स्पीकर में। इस स्पीकर की सबसे अच्छी बात है कि इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ये फोटो, ये अगर यूएसबी कनेक्ट की तो वगैरह एफएम वीडियो, और ये इनपुट के डिवाइस आपने जैसे HDMI 1 से अपना DTH कनेक्ट होता है इधर से प्ले करने है, और HDMI 2 और TV वगैरह वगैरह, स्क्रीन मीटिंग भी हो जाती है ब्लूटूथ, और ऑडियो नॉर्मल वायर से मिलता है। तो अब करता हूँ, मज़ा आया होगा आप लोगों को इस वीडियो में। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू, बाय, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो सून। बाय बाय।